ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं यार अबाउट कैलगरी वर्सेस एडमंटन कंपैरिजन, यानी कि विच सिटी शुड यू चूज व्हेन मूविंग टू अल्बर्टा इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, हाउसिंग, वेदर एंड लाइफस्टाइल। सो व्हाट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको बता दूं कि कैलगरी इज द लार्जेस्ट सिटी इन अल्बर्टा, वाइल एडमंटन इज द कैपिटल सिटी ऑफ अल्बर्टा। अब लैंड की बात कर ले तो कैलगरी इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन कनाडा एज कम्पेयर टू एडमंटन विच इज फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी इन कनाडा। अब पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो यार कैलगरी की पॉपुलेशन है अबाउट 1.4 मिलियन पीपल एज कम्पेयर टू एडमंटन जिसकी पॉपुलेशन है 1 मिलियन। तो मुझे लगता है कि दोनों की पॉपुलेशन डिसेंट है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा ज़्यादा है। मतलब टोरंटो वैनकूवर में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है उसी की वजह से वहाँ पे लाइफस्टाइल काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है एंड क्राउड काफ़ी रहता है, रश आवर काफ़ी लंबे रहते हैं। यू नो, आप मॉल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर एक जगह फुली पैक्ड रहती है, तो वो आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन इतनी पॉपुलेशन कम भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही खाली खाली जगह लगे, टाउन वाली वाइब्स है। हाँ, मतलब दोनों सिटीज़ आपको सिमिलर लाइफस्टाइल्स मतलब जैसे ऑफर करती हैं, लेकिन देयर इज स्लाइटली डिफरेंट। मुझे लगता है कि कैलगरी इज बिट मोर वाइब्रेंट एज कम्पेयर टू एडमंटन, क्योंकि दोनों जगह पे आपको सारे मॉल्स मिल जाएंगे, एजुकेशन सेंटर्स मिल जाएंगे जैसे कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हेल्थ केयर मिल जाएंगे, पार्क्स मिल जाएंगे, आउटडोर एक्टिविटीज़ होंगी, फेस्टिवल्स होंगे, ठीक है, सारा कुछ रहने वाला है। लेकिन कैलगरी में थोड़ी सी वाइब्रेंट इसलिए ज्यादा रहती है क्योंकि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो एडमिंटन में रहते हैं, ठीक है, ही इज अ को वर्कर ऑफ माइन एंड ही मेंशन कि जब वो यहाँ पे कैलगरी आए थे, ठीक है, हमारे ऑफिस में एक इवेंट था, उन्होंने मेंशन किया भाई कैलगरी में ना वो सिटी वाली वाइब आती है जो एडमिंटन में नहीं आती। एडमिंटन इज मोर लाइक यू आर लिविंग इन सबर्ब्स, विच इज अगेन नॉट बैड, ठीक है, ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चॉइस होती है। अब कुछ लोगों को बढ़िया लगती है सिटी लाइफ, कुछ लोगों को नहीं भी लगती है, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट मेरे को पर्सनली लगता है कि कहीं ना कैलगरी अट्रैक्ट्स मोर यंग पीपल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी नाइट लाइफ भी है जो कि एडमिंटन में नहीं देखने को मिलती है। अगर आप टोरंटो वैनकूवर से आ रहे हो तो आपको लगेगा कि भाई कैलगरी की कोई नाइट लाइफ ही नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से एडमिंटन चले जाओ तो वहाँ पे तो और ही आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार नाइट लाइफ के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब बंदा करे तो करेगा शाम में काम के बाद जाके, तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी बढ़िया रहती है। क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम बात करें लैंडस्केप की या जियोग्राफी की, तो कैलगरी इज़ वेरी क्लोज टू बैफ एंड ऑल दोज नेशनल पार्क्स, ठीक है, जैस्पर एंड ऑल, तो आपको ईजी माउंटेन एक्सेस रहती है एज कम्पेयर टू एडमिंटन विच इज 3 आवर्स नॉर्थ ऑफ कैलगरी। यानी कि अगर यहाँ से कैलगरी से आपको 1.5 घंटा लगेगा रॉकी माउंटेन्स तक जाने के लिए, बैंफ तक जाने के लिए, तो वहाँ से आपको 3 घंटे ज़्यादा ड्राइव करना पड़ा, यानी कि 4.5 घंटे वन वे, विच इज़ अ लॉट ऑफ ड्राइव, ठीक है। तो दिस कैन बी अ मेजर रीजन कि वाई पीपल आर मूविंग टू कैलगरी एज कम्पेयर टू एडमिंटन। बट मतलब जैसे एडमिंटन में भी लोग जा रहे हैं, बट मोर पीपल आर मूविंग टू कैलगरी एज पर द स्टैट्स जो कि मैंने पढ़े थे रिसेंटली, कि ज़्यादा लोग यहाँ पे मूव होते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि यहाँ पे आपको यू नेचर, वो वादियाँ अच्छे से देखने को मिलेंगी, जो कि मैं अभी अपनी अक्सर पोस्ट में और वीडियोस में दिखाता रहता हूँ। वो चीज़ एडमिंटन से थोड़ी दूर हो जाती हैं तो फिर थोड़ा सा आपको कम नज़ारा देखने को मिलेगा। बट हाँ, एडमिंटन इज़ ऑल्सो ए ग्रीन सिटी, वहाँ पर बहुत सारी यू नो आपको नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे एंड काफ़ी लाइक ग्रीनरी रहने वाली सिटी में मोर देन कैलगरी इटसेल्फ। कैलगरी थोड़ी सी आपको अर्बनाइज्ड वाइब देती हैं एज कम्पेयर टू एडमिंटन, यानी कि एडमिंटन में वो बढ़िया वाला डाउनटाउन तो नहीं होने वाला, लेकिन सिटी में ग्रीनरी काफी होने वाली है। तो आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं वेदर की। अब वेदर यार कैलगरी और एडमिंटन में काइंड ऑफ सिमिलर या बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि दोनों अल्बर्टा में आती हैं जो कि वैनकूवर, टोरंटो, मॉन्ट्रियल इनसे ठंडी जगह है, ठीक है। बट मैं कहूँगा कि कैलगरी एंड एडमिंटन के वेदर में सिर्फ डिफरेंस एक ही है, क्योंकि कैलगरी माउंटेन्स के पास और यहाँ से शिनूक विंड्स चलती हैं जो कि काफ़ी वार्मर विंड होती हैं जो जनवरी फरवरी के महीने में चलती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि भाई अबाउट 20-25 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो विद इन 12 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आ जाता है। अब लेट्स से कि आपका दिन शुरू है -20 डिग्री सेल्सियस से, शाम तक वो विंड्स ने क्या करना है, अगर मान लीजिए कि आज वो विंड्स चली हैं, ठीक है, वेदर रिपोर्ट पे आ गया कि भाई आज टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होने वाला है, तो शाम तक +5 +10 भी हो सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो स्नो की सारी पिघल जाएगी, आपको अचानक से लगेगा कि यार मौसम काफी बढ़िया हो गया, अब ठंड खत्म हो गई है, अचानक से हम समर्स के अंदर एंटर हो चुके हैं। लेकिन यही चीजें कुछ लोगों को माइग्रेन देती हैं, ठीक है, यानी कि हेडेक देती हैं। तो अगर मतलब आप में से कोई हो जिसको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम हो, तो मे बी यू वांट टू स्किप कैलगरी, क्योंकि कैलगरी में ये चीजें हर साल होनी ही होनी है, ये चीजें अभी तक चलता है, इट्स एन लाइक एनवायरमेंटल फिनोमेना, तो ये चीजें तो यहाँ पे होती रहती हैं कि टेम्परेचर ड्रॉप डाउन बहुत जल्दी आ जाता है। बट उसी की वजह से यहाँ पे ठंड लोगों को ज्यादा महसूस नहीं होती, मतलब क्योंकि ज्यादा लंबे टाइम तक ठंड चलती नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर यहाँ पे जब ठंड एक्सपीरियंस की थी -30 तो मैंने देख लिया था। इट्स नॉट फील्स लाइक, इट वॉज एक्चुअल -30, फील्स लाइक उससे भी ज्यादा होता है, क्योंकि जब हवा चलती है या स्नो पड़ चुकी है पिछले 12 घंटे से, एक दिन से सड़क पे पड़ी हुई है, तो उसकी वजह से ठंडक और लगती है। तो कहीं ना कहीं कैलगरी में माइल्डर टेम्परेचर रहता है बिकॉज ऑफ शिनूक विंड्स, जो कि एडमिंटन में नहीं होता। वहाँ पे एक बार टेम्परेचर सेट हो गया -30, जो मैंने लोगों से सुना है यहाँ पे लोकल से, उन्होंने वही बताया कि भाई एडमिंटन में एक बार -30 सेट हो गया, -35 सेट हो गया, तो कई बार 2-2, 3-3 हफ्ते तक वही टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है, जो कि कैलगरी में 2-3, 4-5 दिन के बाद
ठीक है नॉर्मलाइज हो जाता है या थोड़ा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एडमिंटन। इसीलिए एडमिंटन का टेम्परेचर थोड़ा सा वेदर की बात करें थोड़ा सा वहाँ पे एक्सट्रीम माना जाता है एज़ कम्पेयर टू कैलगरी। एंड उसी के साथ यहाँ पे मैं सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे कि यार इन सिटीज़ में सेफ्टी कैसी है। अब अगर आप आ रहे हो वैंकूवर टोरंटो से तो मैं नहीं कहूँगा कि आपको सेफ्टी के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे को यार 1.5 साल हो गए डाउनटाउन में रहते हो यहाँ कैलगरी में, ठीक है, एंड अब नेवर फेल्ट अनसेफ। ठीक है मेरे को तो सिटी बहुत बढ़िया लगती है, रात में चले जाओ दिन में चले जाओ कहीं भी चले जाओ, अब नेवर लाइक यू नो केम अक्रॉस एनी पीपल जिसके आसपास मुझे लगे कि यार सेफ्टी इशू हो सकता है। बट टोरंटो में कभी ना कभी आप मतलब रात के चार तो सुबह ही होगी, चलो रात के आप मान लीजिए 2 बजे भी चले गए डाउनटाउन टोरंटो डाउनटाउन में, तो आपको बहुत सारे होमलेस या ड्रगी ऐसे लोग मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता आपको यहाँ मिलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे कम लोग मिलेंगे एज कम्पेयर टू टोरंटो या वैंकूवर जैसे बड़े शहरों में, तो वहां पे थोड़ा सा आपको अनसेफ लग सकता है। लेकिन अब मुझे नहीं पता स्टैट्स क्या कहते हैं, स्टैट्स से मुझे इतना पता है कि भाई एडमिंटन में थोड़ा सा क्राइम रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू कैलगरी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर देर आर यू नो अदर मेजर सिटीज इन कैनेडा जहाँ पे कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिटी ऑफ कैलगरी एंड सिटी ऑफ एडमिंटन। तो मुझे नहीं लगता सेफ्टी यहाँ पे आपके लिए कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि हर एक बड़े शहर में कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे कि जिसकी रेपुटेशन ही खराब होती है क्राइम रेट की वजह से, तो आप वो एरिया अवॉइड कर दोगे तो आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम्स अनलेस यू आर गोइंग टू अ प्लेस लाइक US जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा हमें इंसिडेंट सुनने को मिलते रहते हैं। बट ओवरऑल कैनेडा इज सेफ। हाँ हर एक सिटी में हर एक बड़ी सिटी की बात करूँ तो रहेगा कोई ना कोई ऐसा एरिया जहाँ पे कि आपको बताया जाएगा कि भाई यहाँ पे लोग रात में आके आपके दरवाजे खड़काएंगे या ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसी सी जगहों को अवॉइड कर लो तो यू विल हैव ए गुड एक्सपीरियंस यू नो लिविंग इन कैनेडा ओवरऑल। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई जॉब्स के बारे में। अब कैलगरी और एडमिंटन की इंडस्ट्रीज थोड़ी सी डिफरेंट है। हाँ अल्बर्टा ओवरऑल ऑयल एंड गैस के लिए फेमस है, दैट इज़ ट्रू। कैलगरी में भी आपको ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री मिल जाएगी और एडमिंटन में भी मिल जाएगी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एडमिंटन में आपको मिल जाती है मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इट इज़ अ कैपिटल सिटी ठीक है अल्बर्टा की, तो वहाँ पे आपको वो दो सेक्टर मेजर मिलने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग के एंड गवर्नमेंट जॉब्स के अपार्ट फ्रॉम ऑयल एंड गैस। एंड कैलगरी में आपको व्हाइट कॉलर जॉब्स ज़्यादा मिलने वाली है, यानी कि आपको टेक की जॉब्स एंड फाइनेंस का सेक्टर है जो वो काफ़ी बड़ा सेक्टर है अलॉन्ग विद ऑयल एंड गैस, तो वो तो आपको दोनों जगह मिलने वाली है। बट ये सेक्टर हैं जो काफ़ी लाइक सिटी टू सिटी डिपेंड करते हैं, और कैलगरी एंड एडमिंटन का ये सिनेरियो है। तो मतलब अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढ रहे हो कॉर्पोरेट जॉब ढूंढ रहे हो तो मे बी यू वांट टू कंसीडर कैलगरी, क्योंकि कैलगरी में काफ़ी सारी कंपनियों के हेडक्वार्टर है एज कम्पेयर टू एडमिंटन जहाँ पे कि गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा रहने वाली हैं, उसके साथ साथ ब्लू कॉलर जॉब ज़्यादा रहने वाली हैं जो कि व्हाइट कॉलर नहीं मानी जाती, यानी कि स्किल्ड जॉब ज़्यादा रहने वाली हैं एडमिंटन की सिटी में। तो अब इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेशन कि आप कौन सी जॉब में आपका वर्क एक्सपीरियंस है या आप कौन सी जॉब करना चाहते हो, क्या करियर पाथवे आपका चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि जॉब होगी तो पैसे कमाएंगे तो लाइफस्टाइल जिएंगे तो आगे घर खरीदेंगे, तो जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सम पीपल प्रेफर एडमिंटन क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहाँ पे ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, सम पीपल प्रेफर कैलगरी क्योंकि उनकी कॉर्पोरेट जॉब्स चल रही हैं, तो यू कैन फिगर इट आउट योरसेल्फ कि आपको कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती हैं। बट हाँ लाइक अल्बर्टा हैज़ बीन डाइवर्सिफाइंग इट्स लाइक जॉब मार्केट इकॉनमी वगैरह, बट यहाँ पे आज की डेट में इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं होने वाली जितनी आपको वैंकूवर या फिर टोरंटो में मिलने वाली है। और आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अफोर्डेबिलिटी की, इंक्लूडिंग हाउसिंग या फिर रेंटल। तो अफोर्डेबिलिटी से मेरा मतलब है कि आप कितना पैसा कमाओगे उसमें से कितना खर्चे में जाएगा वर्सेस आपके हाथ में या बोलू जेब में कितने पैसे बचेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। तो यार एडमिंटन का अफोर्डेबिलिटी स्कोर काफ़ी बढ़िया है ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रियल स्टेट काफ़ी सस्ती है, आपने घर खरीदना या रेंट करना वहाँ पे सस्ता रहने वाला है एज कम्पेयर टू कैलगरी। प्लस कैलगरी में पिछले 1-2 सालों से काफ़ी ज़्यादा मास माइग्रेशन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग ओंटारियो से उठ के सीधे कैलगरी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि शायद ये ऑप्शन भी नहीं जानना चाहते कि भाई एडमिंटन में क्या सैनैरियो क्या नहीं, मेरे हिसाब से तो दोनों कंसिडर कर लेना चाहिए। तो इसकी वजह से कैलगरी में थोड़ा सा एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है एज कम्पेयर टू एडमिंटन, एंड व्हेन इट कम्स टू बाइंग योर हाउस देयर इज अ मैसिव डिफरेंस ठीक है। अब आज की डेट में क्या चल रहा है मैं आपको बताई देता हूँ, माय सेल्फ बीइंग इन द यू नो गेम राइट नाउ, मैं खुद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेकआउट कर रहा था एंड आई फाउंड आउट कि भाई जितनी प्रॉपर्टीज बिक रही है ना आज की डेट में कैलगरी में सब ओवर आस्किंग जा रही हैं, एक प्रॉपर्टी के पीछे 5, 6, 7, 8 ऑफर्स डल रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए 5 लाख की डली है तो 550-560 पे जाएगी, तो ये सिनेरियो चल रहा है एज कम्पेयर टू एडमिंटन। एडमिंटन में रियल स्टेट काफ़ी ज़्यादा सस्ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बायर्स नहीं है एंड बहुत ज़्यादा सेलर्स वहाँ पे हैं। तो लेट्स से कि अगर आपका बजट है $2 लाख का, आप सोच रहे मेरे को $2 लाख में वहाँ पे लेना है 2 बेडरूम अपार्टमेंट, तो कैलगरी में शायद से आपको मिल जाएंगे 50-100 लिस्टिंग और यहीं आपको एडमिंटन में मिल जाएगी 1000-1200 लिस्टिंग्स। तो इतना बड़ा डिफरेंस है, अब इतनी ज़्यादा लिस्टिंग होगी तो डेफिनेटली बायर्स मार्केट रहने वाला, आप कंडीशन रखोगे कि भाई नहीं मेरे को घर में ये चाहिए, अगर मैं ये घर खरीदूंगा तो मेरे को पहले आप ये अप्लायंसेस डलवा के दो, ये रेनोवेशन करवा के दो, ये चीजें चेंज कर दो, गैराज डोर बदलवा दो, तो वो उसे बायर्स मार्केट माना जाता है जहां पे कि बायर्स अपनी कंडीशंस रखते हैं और बायर्स डिसाइड करते हैं मेरे को कितना प्राइस देना है एज कम्पेयर टू सेलर्स मार्केट जो आज की डेट में कैलगरी में चल रहा है। तो रियल स्टेट की वजह से तो मुझे लगता है कि मतलब अगर आप यहां पे एक अच्छा टाउन हाउस अफोर्ड कर सकते हो कैलगरी में, देन यू कैन बाय डिसेंट डिटैच्ड हाउस
इन एडमिंटन। तो एडमिंटन और कैलगरी के रियल स्टेट में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड ओवरऑल जो आपकी मंथली कॉस्ट आने वाली है, टेक्निकली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लाइक मंथली रेंटल्स या मॉर्गेज पेमेंट्स एज वेल। उसमें ही काफ़ी बड़ी अमाउंट आपकी पे चेक की जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल पे 30-50% ऑफ देयर इनकम टुवर्ड्स देयर मॉर्गेज और रेंटल। तो अगर आप एडमिंटन में जाओगे यू विल सेव मोर मनी, बट हाँ बहुत सारे लोग वहाँ पर जाना प्रेफर नहीं करते क्योंकि क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब होगी, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि भाई नहीं आई वॉन्ट टू गो टू बैंफ, या फिर यू नो पीपल लाइक मी हु आर ऑलवेज इन बैंफ और सराउंडिंग एरियाज एवरी वीकेंड। तो इन टर्म्स ऑफ दैट इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सी सिटी आपके लिए बेटर रहती है। बट मेरे हिसाब से दोनों कंसिडर कर लें, क्योंकि वैन यू आर यंग यू आर लुकिंग फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, मे बी यू वॉन्ट कंसिडर कैलगरी, बट वैन यू हैव ए फैमिली, यू हैव यू नो बिल्स टू पे, यू वॉन्ट अ बाई ए नाइस हाउस जहाँ पे आप सेटल डाउन हो सको, तो मे बी एडमिंटन इज द ऑप्शन फॉर यू। हाँ बट आपको वेदर भी देखना होगा, आपको जॉब्स भी देखनी होगी, आपको रियल स्टेट मार्केट भी देखनी होगी, ओवरऑल लाइफ स्टाइल भी देखना होगा इफ यू आर इन टू नाइट लाइफ स्टाइल, या फिर आप वीकेंड पर घूमना पसंद करते हो, वो सारी चीज़ें कंसिडर करनी होगी बिफोर making a decision। पीआर की बात करो तो यार पीआर सेम है, कॉज इट्स द सेम स्टेट एट द एंड ऑफ द डे, सेम प्रोविंस है, तो पीआर अपॉर्चुनिटी सेम रहने वाली है अनलेस यू गो टू एनी लाइक रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के द्वारा आप किसी रूरल एरिया में चले जाते हो, तो वो तो फिर कैलगरी एंड एडमिंटन दोनों के बाहर हो गया, तो वो चीज़ें नहीं गिनते हुए पीआर के ऑप्शन सेम रहने वाला आप सबके लिए। तो बस यार यही कुछ चीज़ें जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था अबाउट कैलगरी एंड एडमिंटन, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा यू नो यहाँ पे लोकल से मिलकर चीज़ें जानी, या फिर मेरे जो कोवर्कर एडमिंटन में काम करते हैं उनसे मैंने जानी, मतलब एडमिंटन से काम करते हैं, एंड देन आई लाइक रेड सम रेडिट कमेंट्स कि भाई लोग जहाँ पे दोनों जगह पर रह चुके हैं उनका क्या कहना है। तो मुझे लगा कि यार आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे आपको दिल करे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।